हे दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने अभी पढ़ा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आ गई है वैकेंसियां, जो कि इनकम टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे है। तो इसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देना जा रहा हूँ। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन खुला हुआ है आपके सामने, जिसमें लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वैकेंसी आई हुई है। आपको incometaxindia.gov.in पर जा करके आपको इस वैकेंसी को भरना है। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि किसके लिए वैकेंसी है और किस तरीके से आपको इसको फिलअप करना है और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, लास्ट डेट क्या है। पहले मैं बता दूं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इन तीनों लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी बताई गई है। यहाँ पर पे कमीशन 44,925,500 का है। टोटल 44,900 और 25,500 का मतलब है, समझ लिए, लगभग 75,000 से 80,000 सैलरी। ये बेसिक पे से सैलरी अगर निकालना आपको नहीं पता है तो मैंने वीडियो में लिंक दे रखा है, आप उस पर जा करके, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप पे से आप कैसे निकालेंगे आपको पता कर, बेसिक पे से टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे आपको पता चल जाएगा। तो इनकम टैक्स असिस्टेंट के लिए एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। टैक्स असिस्टेंट यानी कि स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 27 साल होनी चाहिए। एज में छूट गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलेगी जैसे मिलती आई है। 5 साल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 10 साल एससी कैंडिडेट के लिए। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जो टैक्स असिस्टेंट है उनके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। और डाटा एंट्री स्पीड मतलब 8000 की पर सेकेंड पर की डिस्प्रेशन पर आवर होनी चाहिए, 8000 की पर आवर होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर 2 के लिए 12th क्लास आपका जरूरी है। 10 मिनट में 80 वर्ड टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया स्पोर्ट्स की एलिजिबिलिटी, जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं, नॉर्मल पीपल इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही है वैकेंसी। तो यहाँ पर दिया गया है कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो उनको मेरिट स्पोर्ट्स अवार्ड मिले हैं उनको यहाँ पर सारे अवार्ड आपके लगाने हैं। इंटरनेशनल, नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्पोर्ट्स, फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, कहीं पर भी आपने खेला है उसका आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट जो एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग, स्क्वाश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हीं का सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। अप्लाई आपको करना है डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स, ये इस पते पर आपको अपना एक फॉर्म भेजना है। फॉर्म का इंक्लोजर इसमें दिया हुआ है, फॉर्म को आप डाउनलोड करके उसको भर करके सारे सर्टिफिकेट लगा करके इसको आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पता है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हेडक्वार्टर मस्ट बी सेंड टू फॉलोइंग एड्रेस, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स पे आपको भेजना है, जो इसकी लास्ट डेट है 17 फरवरी तक आपको भेज देना है, 17 फरवरी 2021 तक आपको भेज देना है। यहाँ पर उसका इंक्लोजर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर इंक्लोजर है, यहाँ आपको फोटो लगानी है, सिग्नेचर करना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है, फुल नेम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, जेंडर वगैरह सब भर देना है, आपको सारी चीज़ें आपको भरनी है। डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देना है, प्लेस और डेट डाल देनी है, प्लेस और डेट डाल करके आपको इस फॉर्म को इसी पते पर भेज देना है जो यहाँ पर पता आपका दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी होती है मेरे वीडियो पर कमेंट करके पूछिए, वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।